पहले ना लोग खतरों पे रखते थे, लेकिन यहाँ खतरे पे कहाँ से रखना, यहाँ तो दुनिया भर के बंदर हैं। अभी अभी यहाँ पे बंदना जी भी आ गए हैं पेनू लेके, और बंदना जी भी बांट रहे हैं चेत के। सैलू लोगों के घर पे तो कोई नहीं है, घास काट रही है। हमारे पहाड़ में तो ये होता है कि चारा पत्ती सबसे पहले पेनू के साथ साथ गाँव की सैर भी हो रही है ना। हाँ जी, तो मैं ना वो तो बोल रहे थे वहाँ ऊपर पे कि सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से मेरे YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो गई है, और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी जल्दी हो चुकी है। और सुबह का जो मौसम है ना वो काफ़ी खूबसूरत हो रखा है, और चारों तरफ से ना अलग अलग पक्षियों की आवाज़ आ रही है इस समय। तो चलिए सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ और मौसम भी दिखाती हूँ आप लोगों को। साथ में मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है, सुहावना मौसम है। साथ में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इस समय, ये देख सकते हैं आप। अपना दिन शुरू करते हैं और हम लोग ना सुबह की चाय पीते ही पीते हैं। और अभी सुबह का टाइम है तो मेरे मोहल्ले में सुनसान है, मेरे मोहल्ले की जो दुकानें हैं सारी बंद हैं, और दूर से चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, मिलुई पक्षी की आवाज आ रही है, आप लोग भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने सुबह की चाय पी, और आज मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई है, आज मेरी ना चाय मुझे हज़म नहीं हुई, पता नहीं क्यों। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी चाय मुझे हज़म नहीं हुई। तो चलिए अभी मुझे बहुत मतलब ऐसे हो रहा कि क्या ही बताऊं, सर घूम रहा है, रिंग हो रही है मुझको, सबसे बड़ी बात है ना। तो फिलहाल तो मैं दवाई के ले गई नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेहूँ भी डाल रखे हैं और मेरे हस्बैंड ला रहे हैं दवाई, क्योंकि मेरे पास दवाई कुछ थी भी तो वो मैंने ले ली है। और मैंने मंगाया है ORS का पैकेट, तो उसको मंगाने के बाद देखती हूँ कि कितना आराम मिलता है मुझे। बाकी तो अभी लेटी रहती हूँ, आज ना कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने फिलहाल तो मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं करती हूँ नवनीत के लिए दूध गरम, और फिलहाल मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मेरा सर ही घूम रहा है। और मैं नहाई तो मैंने अभी कंघी भी नहीं की, तो मेरे बाल ऐसे हो रखे हैं क्या ही बताऊं, और आज ना बड़ा आलस आ रहा है। और अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं, आप लोग मौसम देख सकते हैं कि चारों तरफ पैक हो चुका है और बारिश होने वाली है। अगर और यहाँ दीदी ला रही है लगाने के लिए नसरू और जू, सबने धान बो लिया है, अभी दीदी ने नहीं बोया है, दीदी कर रही है धान बोने की तैयारी। और अभी अभी यहाँ पे बंदना जी भी आ गए हैं पेनू लेके, और बंदना जी भी बांट रहे हैं चेत के मैने का आलू, और हमारे भाइयों ने तो हमको दिया नहीं, अब वीडियो देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे कि ऐसे बोल रहे हैं। नहीं सही, हमें भी बुरा लग रहा कि मेरे भाइयों ने मेरे को भी नहीं दिया, तो क्या वो हमें 8 बजे दूं। तो ये देखिए जी पेनू भी मिल चुका है। अच्छा तुम नीचा जी अमित, अच्छा तो इनके भाई इनको आवा लेके आ गए हैं, तभी इतने खुश हो रहे हैं। तो फिलहाल तो मैंने दीदी को यहीं पे छोड़ दिया है, मैं जा रही हूँ बंदना जी के साथ आलू बांटने जा रही हूँ। तो ये बोल रहे हैं मेरे साथ चल, तो मैं भी गांव गांव जाऊंगी, घर घर जाऊंगी आज इधर, तो आप लोगों को भी ले चलूंगी, है ना बंदना जी? हाँ ठीक है, हमारे साथ दोस्त होगी। हाँ बस, नहीं तो ये गाड़ी में बैठ रहे थे, तो गरी में आज सुबह से मैं गरी में थी, मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो रही थी ना, तो उस वजह से मैं इधर उधर गई नहीं। तो हमने जाना है इस वाली गैलरी से ऊपर, और सैलू लोगों के घर पे तो कोई नहीं है।
और यहाँ पे जी घास काट रही हैं। हमारे पहाड़ों में तो ये होता है कि चारा पत्ती सबसे पहले काटना जरूरी है। और यहाँ ऊपर जी लोग भी बैठे हुए हैं। हेलो बोलो, हेलो, हाय हाय, आप लोग बैठे रहो। हाँ तो यहाँ जी भी बोल रहे हैं, आप बोलो। हाँ तो बारिश की समस्या सबसे बड़ी हो गई है, तो चलो ठीक है, काटते रहो घास। इनके घर में तो हमको कोई मिला नहीं, वापस चलते हैं। इनके घर में भी कोई नहीं, और शाम का टाइम है तो घरों में कोई नहीं मिलता है, लोग अपने कामों पे रहते हैं। साथ में ये जो तोर की दाल है ना, ये इस पे अभी फूली हैं। जब से मैंने देखा है इसको तब से इस पे फूली हैं। पता नहीं इस पे फलियां कब आनी है और कब इसकी दाल खानी है। अभी फिलहाल इनके बून में चलते हैं। यहाँ छोटे 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 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जी प्रणाम। और यहाँ जी भी बैठे, हाय बोल दे। ओ बच्चा, ओ लड़की, ये गाड़ी गाड़ी खेल रही है ना, लकड़ी से गाड़ी गाड़ी खेल रही है, तेज झुकोगे। और अभी जिस एरिया में मैं आ रखी हूँ, वहाँ से सामने दूर दूर तक के गांव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी मौसम खराब हो गया तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और ये ठीक नीचे पे है कोटमा स्टेशन, और बाकी हमने स्टेशन भी जाना होगा या नहीं जाना होगा, जाना है। और हम बिड़ंगा मोहल्ले में आ चुके हैं, और यहाँ बंदर इतने ज़्यादा हैं कि क्या ही बताएं। आज मेरे मोहल्ले में बंदर नहीं है, ये देखो यहाँ खेल रहे हैं बंदर। तो ये है प्यारा सा खूबसूरत सा मोहल्ला बिड़ंगा, बिड़ंगा ये बोलना नहीं था, तो बिड़ंगा वाले मोहल्ले में चलते हैं। और यहाँ पे तो खूबसूरत खूबसूरत से घर भी हैं, जंगले वाला घर है यहाँ पे, बहुत सुंदर। और यहाँ से चौखंबा या हिमालय पर्वत इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादलों की वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और ऊपर तो पहाड़ों में हल्की फुल्की इस तरफ से बारिश भी होने लग गई है। और पेड़ों बांटते बांटते हम सीधे दूसरे वाले मोहल्ले में आ गए हैं। यहाँ दीदी भी अपने काम पे लगी हुई है, और यहाँ लोग ना धान की बुआई भी कर रहे हैं। और यहाँ सामने पे है दीदी, ये दीदी भी वहाँ गोबर डाल लिया है। और लोग सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, कोई हल लगा रहे हैं, कोई घास निकाल रहे हैं, कोई आड़ा फूंक रहे हैं। और यहाँ नीचे पे वो भी धान बो रखा है उन लोगों ने, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी वंदना जी भी अपने काम पे लगे हुए हैं, पेड़ बांट रहे हैं, और मैं भी अपने काम पे लगी हूँ, मैं भी ब्लॉग कर रही हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज मेरा वंदना जी के साथ साथ पेड़ों के साथ साथ गांव की सैर भी हो रही है ना। हाँ जी। तो मैं ना वो तो बोल रहे थे वहाँ ऊपर पे कि आप नहीं नहीं आप मतलब 14 साल हो गए कोटमा में, आप कभी 14 मिनट के लिए भी यहाँ पे नहीं आए। हाँ। तो आज मैं पहली बार घूम रही हूँ। मैंने बोला कि तुम घर में क्या बैठ रहे हो, चलो हमारे साथ, तभी आई। हाँ नहीं तो नहीं आते। तो गांव की सैर हो रही है आज अच्छे से। तो बच्चों की कॉपी किताबें भी आ गई हैं, और बच्चों में भी काफी उत्साह रहता है जब नई नई कॉपी और किताबें आती हैं। तो बच्चे ने काफी सुंदर सजा के रखी हुई है सारी कॉपियां, अच्छे से जिल्द वगैरह लगा रखा है, और चिट भी लगाया। अरे वाह, ठीक है, अपने आप लगाया, वेरी गुड, बेस्ट। तो चलिए जी, इस घर में ना बच्चों से भी मिलना हो गया है, अब चलते हैं दूसरे वाले घर में। आज वंदना जी हमें पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते, बाय भाभी।
और इनके घर में कोई नहीं है तो यहाँ दरवाजा खोल के हमने यहाँ पे रख देना है और आएंगे वो तो खाएंगे। पहले ना लोग खतरों पे रखते थे, लेकिन यहाँ खतरे पे कहाँ से रखना, यहाँ तो दुनिया भर के बंदर हैं। तो हमने दरवाजा ही खोल के इस अंदर रख दिया है और यहाँ पे इन लोगों ने खूब सरसों रखा हुआ है, ऐसे ही इकट्ठा करके रखते हैं। अब इसकी मंडाई होगी। अब इनका ना सरसों खूब हो रखा है, लेकिन उसमें बीज बारीक बारीक हो रखे हैं। एक दिन घूमी था। अच्छा ठीक छो, शाम को आप घूम गाँव। तो अभी हम जाने वाले हैं कोटमा स्टेशन। ये है, हाँ ये है कोटमा स्टेशन। यहाँ पे तो लोगों की खूब सारी भीड़ भाड़ है। तो अभी मैं कोटमा के नज़दीकी किसी के छत पे आ रखी हूँ। यहाँ से इतने कवर होता है और कोटमा मार्केट में काफ़ी चहल पहल है इस समय, लोगों की भी और गाड़ियों की भी। और यहाँ से जो ये दूर दिखाई दे रहा है, ये वाला मेरा मोहल्ला है ये सामने पे। तो मैं यहाँ से इतनी दूर आई हूँ, यानी आधा किलोमीटर एक किलोमीटर दूर आई हूँ। हम लोगों ने दोनों ने पैरों भी मार दिया है और अब जा रहे हैं हम घर वापस। आ रहे बंदरा जी मेरे को छोड़ने आ रहे हैं। साथ में चक्की में थैला भी था तो वो पिसा होगा तो वो लेके जाएंगे, नहीं तो क्या कर सकते हैं। हाँ बस।